ओके गाइस, तो कल मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया था, यानी समझाया था, और बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी उनको उसकी वैल्यू पता होगी कि वो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। बट जिन्होंने नहीं देखी है, मैं कह रहा हूँ जाके देख लो, बिकॉज वो वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो फिलहाल आज किस वीडियो में बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक ये है कि भाई जोनाथन वर्सेज योर जिगल, जोनाथन कैसे जिगल करता है, आप कैसे जिगल करते हो, और कहाँ आपके जिगल में ऐसी कमी है कि भाई या तो आप कभी जिगल प्रॉपर नहीं कर पा रहे या फिर प्रॉपरली एम नहीं कर पाते हो जिगल के साथ में। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा इंट्रो स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, उसके लिए हम लोग जोनाथन के जिगल को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और मैं आपके खुद के जिगल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भाई 4 से 5 तरीके के टाइप के जिगल आप कह सकते हो जो लोग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहला जिगल देख सकते हो, नॉर्मल लेफ्ट राइट जिगल। नॉर्मल लेफ्ट राइट जिगल काफ़ी सारे लोग करते हैं और ये एक कह सकते हो एक सही जिगल कहला सकता है, ठीक है। दूसरा लोग करते हैं थोड़ा आगे जाते हुए जिगल। भाई ये जिगल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ अगर आपसे अभी ये गलती होती है। कुछ लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं, कुछ लोग पैनिक सिचुएशन में भी ऐसा करते हैं, और कुछ लोग पैनिक सिचुएशन में पीछे जाते जाते भी जिगल करते हैं। तो ये आप कह सकते हो थर्ड टाइप का, ये भी जिगल होता है कि लोग पीछे जाते हुए जिगल करते हैं, आगे जाते हुए जिगल करते हैं, ठीक है। और एक होता है शॉर्ट जिगल, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि शॉर्ट जिगल बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। और एक होता है वाइड जिगल, जो भी एज इक्वल शॉर्ट जिगल जितना फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो भाई 5 तरीके के जिगल हो गए, बट इनमें से परफेक्ट जिगल ऐसा कौन सा है जो हर सिचुएशन में काम आ जाता है, या फिर ऐसा कोई जिगल है भी जो हर सिचुएशन में काम आ जाता है? सो लेट्स फाइंड आउट। परफेक्ट जिगल जानने से पहले एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप जिगल करते हो वो इन 5 जिगल में से कोई भी जिगल हो सकता है, बट आपको डेफिनेटली इनमें से 2 जिगल नहीं करने हैं, वो है आगे जाते जाते और पीछे जाते जाते। वो जिगल कभी भी आपके काम नहीं आने वाले और एनिमी उस जिगल को आराम से ट्रेस कर लेगा। तो भाई बचे कौन से हैं? 3 जिगल, नॉर्मल जिगल, फास्ट जिगल और शॉर्ट जिगल। अब ये तीनों कौन सी सिचुएशन में करने चाहिए? फिलहाल मैं आपको सिचुएशंस के बारे में नहीं बता सकता, बट इन तीनों जिगल के आपको बेनिफिट्स यानी प्रोज और कॉन्स जरूर बता सकता हूँ मैं, यानी क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा जिगल करना चाहिए। तो चलो बात करते हैं इनके बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लोज रेंज में भी कुछ एरियाज होते हैं, 20 से 25 मीटर की रेंज का एरिया, ठीक है, उसे भी आप क्लोज रेंज में मतलब कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं 25 मीटर रेंज की बात करूँ, 25 मीटर दूर से आप किसी टारगेट को हिट कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट जिगल करना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा शॉर्ट आप जिगल करोगे आपका क्रॉसर उतना ही कम लेफ्ट राइट होगा। अब जितना क्रॉसर आपका कम लेफ्ट राइट होगा उतना ही आपके एम चोक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब एनिमी दूर होता है तो मैं शॉर्ट जिगल करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, और शॉर्ट जिगल मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। बट अगर मैं ज़्यादा दूर एनिमी है और देखो वो जिगल दे रहा है, मैं यहाँ पे लॉन्ग जिगल कर रहा हूँ तो भी मेरी गोलियाँ लग रही है। तो भाई पॉटर भाई, शॉर्ट जिगल में भी गोलियाँ लग रही है, लॉन्ग जिगल में भी गोलियाँ लग रही है, तो इससे फ़ायदा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाला एनिमी लॉन्ग जिगल कर रहा है और वो 25 मीटर दूर है, तो आपको भी उसके जिगल को ट्रेस करने के लिए लॉन्ग जिगल करना पड़ता है। बट अगर सामने वाला एनिमी ज़्यादा जिगल नहीं दे रहा है, तो आप शॉर्ट जिगल करके जिगल के थ्रू हिप फायर मार सकते हो और बहुत ही ज़्यादा बुलेट्स कनेक्ट होंगी। बट एक चीज़ और बता दूं कि अगर एनिमी ज़्यादा दूर है और आप शॉर्ट जिगल कर रहे हो, तो एनिमी आपको इजीली मार सकता है। अरे यार पॉटर भाई, अगर दूर वाला एनिमी शॉर्ट जिगल में मार देगा तो हम शॉर्ट जिगल करें ही क्यों, हम वाइड जिगल कर लेंगे? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि एनिमी 25 मीटर दूर से भी आपको मार देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दूर एनिमी है, फॉर एग्जांपल 25 से 30 मीटर की रेंज में, और आप शॉर्ट जिगल कर रहे हो और उसने ADS खोल लिया, अगर उसने ADS खोल लिया तो इमेजिन करो, ठीक है, अब इमेजिन करने का टाइम आपका है। अपने मन में सोचो कि अगर आप शॉर्ट जिगल कर रहे हो, यानी आप बहुत ही कम एरिया कवर कर रहे हो, सामने वाले अगर एनिमी ने ADS ओपन कर लिया तो वो आपको इजीली मार सकता है, बिकॉज उसे ADS ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसके लिए काम आसान कर रहे हो, आप कर रहे हो शॉर्ट जिगल। तो मैं आपको एक दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, अगर आप शॉर्ट जिगल करके एनिमी को मारना चाहते हो, थोड़ी सी दूर एनिमी है, फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 मीटर की रेंज में, तो मेक श्योर कि एनिमी भी उस टाइम ADS ओपन नहीं करता है। 20 से 25 मीटर की रेंज में अगर आप शॉर्ट जिगल भी कर रहे हो और एनिमी ने ADS ओपन भी कर लिया, तो भी आप उसे मार दोगे, बट स्टिल एनिमी थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, थोड़ा सा मतलब 25 से 30 मीटर की रेंज में, तो उस टाइम वो ADS 100% ओपन करेगा। और अगर उसने पहले ADS ओपन कर लिया और तुमने बाद में ADS ओपन किया, तो इसका मतलब है तुम वहाँ पे फाइट हारने वाले हो। उस फाइट से बचने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे जिगल, ठीक है, बट एनिमी इतना दूर है 25 से 30 मीटर की रेंज में, तो हमें कौन सा जिगल करना है? वाइड जिगल। शॉर्ट जिगल इसलिए नहीं करना है बिकॉज वहां पर सामने वाला एनिमी ADS खोल लेगा। अब ADS खोलेगा, आप शॉर्ट जिगल करोगे तो आपके लिए नुकसान है। आप वाइड जिगल करोगे तो एनिमी को ट्रेस करने में दिक्कत होगी। यहां पर आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। तो ये क्लियर एग्जांपल है, अगर एनिमी ADS खोलता और आप वाइड जिगल करते हो इतना दूर से, तो भाई आपकी बुलेट्स कनेक्ट होंगी या नहीं होंगी मुझे पता नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बट एनिमी की बुलेट डेफिनेटली कनेक्ट नहीं होंगी।
तो यहाँ पर शॉर्ट जिगल के फायदे और नुकसान मैंने आपको दोनों बता दिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लॉन्ग जिगल की, बिकॉज लॉन्ग जिगल के फायदे बहुत हैं, मैं आपको पूरे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो में। अब सबसे पहला फायदा लॉन्ग जिगल का होता है क्लोज रेंज में। अगर क्लोज रेंज में एनिमी आपके सामने आ गया और आप लॉन्ग जिगल कर रहे हो ना, तो उसे बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट एम करना पड़ेगा, बिकॉज एक तो आप उसके ऑलरेडी बहुत पास हो और लॉन्ग जिगल दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि आप यहाँ पर लॉन्ग जिगल देने वाले हो। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग जिगल देते हो क्लोज रेंज में, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा है, एनिमी आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा। दूसरा लॉन्ग जिगल का फायदा लॉन्ग रेंज में होता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। जब सामने वाला बंदा ईडीएस ओपन कर लेता है और आप एक प्रॉपर लॉन्ग जिगल उसके सामने कर रहे हो, यानी बहुत ही वाइड एरिया आप कवर कर रहे हो, तो भाई उस टाइम भी ईडीएस से एनिमी आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो फिलहाल दो ही फायदे मैं आपको बता सकता हूं, और बाकी फायदे आप जानना चाहते हो जिगल के, और आप चाहते हो कि मैं जिगल की सिचुएशंस पे एक वीडियो बनाऊं और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं कि कब कौन सा जिगल करना चाहिए, प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, तो प्लीज़ मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, आप जाकर उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट करो, या फिर आप, मैंने दो पोल लगा रखे हैं वहाँ पे, किसी पोल को चूज़ कर सकते हो कि हाँ आपको वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है प्रॉपर एग्जाम्पल्स के ऊपर कि कब कौन सा जिगल करना चाहिए। क्या यार पॉटर भाई, इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा? जब हम फाइट लेते हैं तो फाइट में पूरा ध्यान चला जाता है, हमें नहीं पता चलता है कि हमें क्या करना है। यही तो बात है यार, यहीं पर तो प्रैक्टिस करनी है, उसी से तो होगा, वरना कैसे होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बताई हुई बातें आपको हर मैच में याद रखनी, हर चीज़ आपको हर बार मेरी बताई हुई तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है। आपको सिंपली दो दिन मेरी बताई हुई बातों को याद रखना है, और दो दिन बाद आपकी डेफिनेटली 100% आपकी अपने आप मसल मेमोरी फीड हो जाएगी ये चीज़ें, और अपने आप जो चीज़ मैंने बताई है वो करने लग जाओगे। अब यार पॉटर भाई, आपने ये तो बताया नहीं जोनाथन कौन सा जिगल करता है, तो मैं बताता हूँ, जोनाथन डिफरेंट जिगल करता है। ठीक है, डिफरेंट जिगल का मेरा मतलब है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जिगल करता है। अगर आपने जोनाथन की स्ट्रीम देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम पहले जोनाथन शॉर्ट जिगल कर रहा था, कुछ टाइम बाद जोनाथन लॉन्ग जिगल कर रहा था, बट ऐसा नहीं है, ये कुछ टाइम का फर्क नहीं है, ये हर सिचुएशन का फर्क होता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने जोनाथन को शॉर्ट जिगल करते हुए देखा हो, और हो सकता है आपने कई लोगों ने जोनाथन को लॉन्ग जिगल करते हुए देखा हो, तो या वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट जिगल करता है। आप चाहो तो अभी उसकी स्ट्रीम होगी, कभी भी आप जाकर देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आपको करनी है। सो जिगल के जो एग्जांपल्स है वो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके कमेंट करना और पोल सेलेक्ट करना, वो मैं उसके बाद लेकर आऊँगा क्लासिक के एग्जांपल। बट अगर आपको अभी टीडीएम के एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं आपको फिलहाल एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अगर आपको TDM की टिप्स एंड के बारे में और जानना है कि TDM में कैसे 1v1 किया जाता है, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ऑफ एंगल फाइट्स के बारे में जानना चाहते हो कि भाई ऑफ एंगल फाइट कैसे जीती जाती है और ऑफ एंगल फाइट्स बेसिकली होती क्या है, तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना।